कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों को थोड़ी सी और बड़ी हो जाए। अरे नापना चाहते हो मेरी हिम्मत, तो कह दो इन आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूँ आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों आज का क्लास जो होने वाला है, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यह जानकर आसानी होगी, अगर आप पहली बार एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि क्वेश्चन जो है 80% जो है आसान क्वेश्चन आते हैं। मैं खास करके मैथ में 80% जो है आसान क्वेश्चन आते हैं, मात्र 20% जो है थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास जो होने वाला है, आज क्लास में हम लोग आप लोगों को बताएंगे क्वेश्चन जो है कितना आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का क्लास अपना लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो अंकों का योग 9 है। मान लेते हैं एक संख्या ए है और फिर दूसरा संख्या बी मान लेते हैं, इन दोनों का योग है 9। फिर बोल रहा है आगे, इनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अगर यह 2 है, अगर कह दे कि 2 का व्युत्क्रम क्या होगा तो 1/2 होगा। इसलिए ए का व्युत्क्रम जो है 1/a होगा प्लस बी का व्युत्क्रम जो है 1/b होगा। ठीक, 1/b होगा। अब इन दोनों का, इनकी व्युत्क्रमों का योग जो है 1/2 है। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा ए बी और ऊपर में बी प्लस ए बराबर 1/2। अब यहाँ पे ए प्लस बी का मान जो है ऊपर से यहाँ से रख दीजिए, तो 9/ab बराबर 1/2। इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 18, 9 × 2 = 18। ठीक, ए बी का मान हो गया 18। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 को हम इनकी लिख सकते हैं 3 × 18। तो ऑप्शन में आपके ऑप्शन में है 6, तो इसलिए आंसर जो है 6 हो जाएगा। ठीक, आइए इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। इनकी 4 से विभाज्यता का नियम आप लोग जानते होंगे। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक अगर इनकी 4 से विभाज्य है तो वह पूरा संख्या जो है 4 से विभाज्य होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है 56, 32, 654। 56, 32, 654। तो क्या यह इसके अंतिम के 2 अंक पहले काटिए 4 से, क्या ये अंतिम के 2 अंक कट रहा है 4 से, तो नहीं कट रहा है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में क्या है, 65, 42, 176। 65, 42, 176। अब ये अंतिम का अंक देखिए पहले काटिए इनकी 4 से, यह कट रहा है 4 से, तो 4 × 4 हासिल 4 × 36। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। अंतिम के 2 अंक जो है यह 4 से कट रहा है, इसलिए जो है यह ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक, आइए इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है 27, 6, x, 1 3 से विभाज्य है। क्या है, 27, 6, x, 1 जो है 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित अंकों का योग क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं 3 से विभाज्य का नियम क्या होता है, अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य हो। ठीक, तो आप लोग इसको पहले अंकों का योग पहले ज्ञात कीजिए। तो 7 × 2 = 9, 9 × 6 = 15, 1 = 16। तो x के स्थान पर एक अंक 2 भी हो सकता है, 16 × 2 = 18, जो कि 3 से कट रहा है। अंकों का अंतिम x के स्थान पे
तो भी हो सकता है, और इनकी और क्या हो सकता है? अगर यहाँ होता है 16, 17, 18, 19, 20, 21, इनकी अंतिम एक अंक जो है 5 भी हो सकता है। अब और फिर निकालिए, 21 मतलब 16 हुआ, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, अंतिम है 24, यानी कि 8। कहने का मतलब वह एक्स के स्थान पे 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और एक 8 भी हो सकता है। अब इनके अंकों का इसके जो है योग क्या होता है, यानी कि 8 5 13 2 15, इसलिए एक्स के संभावित अंकों का योग जो है 15 होगा। ठीक, आप लोग इसका ऑप्शन नंबर कितना में है वो आप लोग निकाल लीजिए। ठीक, आइए इस पे जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? 6 से विभाज्यता का नियम आप लोग जानते होंगे। पहले इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालिए, एक होगा 2, एक होगा 3। ठीक, अब देखिए ऑप्शन नंबर में क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए में है 1 2 3 4 6, तो आप लोग जानते होंगे यह जो है 2 से कट रहा है। ऑप्शन नंबर एक और निकाल लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 में क्या कहा रहा है, 1 2 3 4 8। ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में है 12 344। ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में 12 340। पहले जो है इसको पहले काटिए 2 से काटिए, फिर काटिए 3 से काटिए। पहले यह जो है 2 से कट रहा है, यह भी कट रहा है, यह भी कट रहा है, और यह भी कट रहा है 2 से। अब यानी कि 3 से कौन कट रहा है? हम जानते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग जो है 3 से कट जाए। तो इसका जो है अंकों का योग निकालिए, 6 4 10 3 13 2 15 1 16, यानी कि 16 जो है 3 से नहीं कट रहा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी में आइए, 8 4 12, 12 3 15 15 16 17 1 18, यानी कि 18 जो है 3 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब इसके आगे हमको जाना ही नहीं है, फालतू का यानी कि समय बिता के क्या फायदा। आइए इसमें जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं। यह क्लास जो है मुख्य रूप से आप लोगों को यह बताने के लिए लिया गया है कि इनकी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 से विभाज्यता का नियम हम लोग क्या जानते हैं? 9 से विभाज्यता का नियम जानते हैं, अंकों का योग 9 से अगर पूरी पूरी कट रहा है तो वह जो है वह संख्या 9 से कटेगा। ठीक, अब ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है 29 0 39, 29 0 39। अब इसके अंकों का योग पहले निकालिए। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी भी इनकी लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है 19 239। अब पहले ऑप्शन ए को काटिए, 9 3 12, 9 3 12, 12 2 12 2 14, 9 23, जो कि 23 जो है 9 से नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए, इसके अंकों का योग पहले निकालिए, 9 2 18 2 20, 1 4 24, तो क्या 9 से कट रहा है? 24 नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में क्या बोला गया है, 17 139, 17 139। अब ये इसको काटिए 9 से, इसके पहले अंकों का योग पहले निकाल लीजिए, 9 3 12, 12 1 13, 13 1 14, 14 6 20 1 21, तो क्या यह 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 31 239, इसके पहले अंकों का योग निकालिए,
नौ तीन 12, 12 दू 14, 1 15, 15 तीन 18, यानी कि इसके अंकों का योग हो रहा है 18, जो कि 9 से कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आइए इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप लोगों को इनकी पता लग रहा होगा कि इनकी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब इनकी छठा नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। निम्न में से कितनी संख्या 175 से पूर्णतः विभाजित है? संख्या है, एक संख्या 500 है, एक संख्या 500 है, एक संख्या 875 है, एक संख्या 875 है, एक संख्या 1575 है, एक संख्या 1915 है, एक संख्या 1915 है, एक संख्या 2625 है, एक संख्या 2850 है, एक संख्या 3325 है, एक संख्या 3335 है। ठीक, अब क्वेश्चन में बोल रहा है 175 से, 175 से जो है इनमें से कितनी संख्या जो है कट रहा है, मतलब इनकी विभाज्य हो रहा है। तो पहले इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालिए, पहले 175 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो अगर इसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड तो 25 और 7 होता है। ठीक, अब पहले इनकी 25 के काटने का मतलब, काटने का मतलब 25 से विभाज्य का नियम क्या है? अगर अंतिम के अंक जो है, अंतिम के दो अंक अगर 0 0 हो तो वह जो है 25 से कट जाएगा। अगर अंतिम के अंक जो है 25 से कट रहा है तो वह जो है पूरा संख्या 25 से कटेगा। तो यह जो है 25 से कट रहा है, ठीक, यह कट रहा है, यह भी कट रहा है, यह भी कट रहा है, यह नहीं कट रहा है, यह कट रहा है, यह कट रहा है, यह कट रहा है और यह नहीं कट रहा है। अब देखिए इसमें इनकी 7 से कौन कौन कट रहा है? क्या यह 7 से कट रहा है? तो 7 7 49, एक नहीं कटेगा, यह भी ये नहीं हुआ। क्या यह 7 से कट रहा है? 7 7 2 14, 14 15 16 17, 3 7 5 35, हाँ एक संख्या हुआ ये। यह जो है 25 और 7 से कट रहा है, इसका मतलब है कि यह जो है 175 से भी कटेगा। फिर इसको निकालिए तो 7 2 14, 7 2 14, 3 1, यह भी कट रहा है। यह हुआ एक नंबर, यह हुआ दो। अब यह तो नहीं कट रहा है तो इसको हम कह लेंगे। अब इसको देखिए, 27 7 4 28, 27 21 5, 7 7 49 49 51 52, 7 5 35, हाँ यह भी कट रहा है। तो यह हो गया 3। क्या यह 7 से कट रहा है? 27 21 28, तो यह भी जो है 7 से नहीं कट रहा है तो इसको हम कह लेंगे। क्या यह 7 से कट रहा है? तो 27 21 28, 27 28 28 29 30 31 32 33, 49 51 52, 7 5 35, हाँ यह कट रहा है। तो यह हो गया चौथा नंबर। अब तो यह जब इनकी 25 से कट ही नहीं रहा तो इसको हम काहे के लिए इनकी चेक करेंगे। तो कितना संख्या जो है 175 से कट रहा है? 1 2 3 और ये अंतिम 4। इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो में हो इसका आंसर होगा 4। इनकी इसमें से जो है मात्र इनकी 4 संख्या जो है 175 से पूरा पूरी कट रहा है। आइए इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं आप लोग के सामने। क्वेश्चन की नंबर अब 7वां होगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैं थोड़ा कॉपी को उल्टा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए में है 17 11
ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में है 13 11, ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में है 14 11, ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में है 11 11। क्वेश्चन में बोल रहा है तीन से कौन कौन कट रहा है पूरा पूरी, तो हम लोग क्या जानते हैं तीन से विभाज्यता का नियम, इसके अंकों का योग अगर तीन से कट रहा है तो इसका अर्थ है कि यह पूरा संख्या जो है तीन से कटेगा। ठीक, तो इसका योग निकालिए, एक एक दो दो सात दस एक 11, तो 11 क्या तीन से कट रहा है? नहीं कट रहा है तो यह नहीं होगा। अब इसको ऐड कीजिए, एक एक दो तीन पांच एक छ, तो छ जो है तीन से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हो गया, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो अंकों की आभाज्य संख्या के अंतर की गणना करें। सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना करें। अभाज्य संख्या क्या होता है पहले यह जान लीजिए, अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या कहने का मतलब हुआ वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे, क्या? ठीक है, तो सबसे छोटी, तो सबसे छोटी यानी कि अभाज्य संख्या क्या होगी दो अंकों की, तो 11 होगी सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या। और फिर बोल रहा है सबसे बड़ी मतलब इनकी अभाज्य संख्या क्या होगी दो अंकों का, तो 97 जो है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है दो अंकों का। अब इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो 97 - 11 कर दीजिए, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 86 होगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अब इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग को मालूम हो रहा होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है एक से 10 तक की संख्या के वर्गों का योगफल की गणना करें। पहला संख्या 1 का स्क्वायर वर्ग बोल रहा है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, ऐसे करके करते करते 10 का स्क्वायर का जो अंकों का योग क्या होगा। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटे 6 फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो एन के स्थान पे जो है इसका मान रख दीजिए, एन मतलब कितना, एन मतलब अंकों की संख्या, कितना संख्या है इसमें, तो संख्या है 10 और एन प्लस 1 11 इंटू 2n+1 यानी कि 10 × 20 + 1 21/6, सो काटिए 2 × 3 = 6, 3 × 7 मतलब यानी कि 7 × 21। ठीक, अब इसको काट दिए, 2 × 5 = 10, 11 × 5 = 55 इंटू 7 कर दीजिए, तो 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 38। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है इसका। ओके दोस्तों, तो आप लोग को इनकी मालूम है, इनकी हो गया होगा कि एग्जाम में जो है कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके दोस्तों, आज का क्लास तो जो मतलब इनकी छोटी क्लास था, और आज की क्लास में जो हम लोग मतलब आसान क्वेश्चन लिए थे, कल की क्लास में जो है इसे थोड़ा और हाई लेवल का क्वेश्चन लेंगे। हमने आपको एनटी पहले बताया था कि मतलब एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में जो 80% जो है आसान क्वेश्चन आते हैं, मात्र यानी कि 20% जो है हाई लेवल का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग को उतना घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं आप लोग को जो है क्लास कराते रहूंगा,
अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और हो सके तो हमारे इसे जो है शेयर भी कर दिया कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच आज का वीडियो देखने के लिए।